दोस्तों प्रभासना की कल्की ने तो भाई नेक्स्ट और तबाहीदार जो हाइप है उसको बना के रख दिया है। अब जो है वो ऐसा लगता है कि कल्की का जब ट्रेलर और प्रीलूड जो आएंगे वो तो तभी मजा देंगे। दोस्तों आपको पता है कि प्रीलूड के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड ने भाई साहब किस लेवल से हाइप को जनरेट किया है, यहाँ तक कि ओवरसीज़ के अंदर भी जो कि प्रभासना की कल्की के बारे में बातचीत होती हुई देखने को मिली है और पब्लिक जो है वो ओवरसीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखी है कल्की मूवी को देखने के लिए। अब दोस्तों जो ट्रेलर है वो हमको कहा जा रहा है कि जून के इसी फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि 7th of June जो है वो कल्की का ट्रेलर देखने को मिले। और जब भी ये ट्रेलर आ गया तब तो वो भाई साहब तब भाई मजा देगा और रिकॉर्ड्स तोड़ के रख देगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड्स के मामले में कल्की बहुत ही बढ़िया लेवल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ने जा रही है और इतने नेक्स्ट लेवल की तब भाई और इतनी नेक्स्ट लेवल की कलेक्शन करेगी जिसका जो कि अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बुकमा शो के ऊपर लगभग जो कि 251,000 से भी ज़्यादा के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बन चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि कल्की की जो हाइप ओवरसीज़ के अंदर चल रही है, रोमानिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जो है वो भाई साहब कल्की मूवी की हाइप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिली है। अब जो ओवरसीज़ के अंदर एडवांस बुकिंग है वो भी स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी, लेकिन फर्स्ट डे के ऊपर जो कलेक्शन आ सकती है वो लगभग जो कि भाई साहब 300 से 250 करोड़ के बीच के अंदर आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों कल्की से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लग रही है और कल्की मूवी तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के रिकॉर्ड्स भी तोड़ेगी। और उसी के चलते हुए अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रभासना के अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन और जो कि दिशा पटानी काफ़ी ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं उनके इंट्रोज भी आएंगे। मतलब अब इन कुछ ही दिनों के अंदर भाई साहब जो होना है वो होगा और कल्की मूवी के जो मेकर्स हैं वो तबाहीदार जो है वो इस मूवी की प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यही लगता है कल्की मूवी जो कि इस साल की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, क्योंकि जो विजुअल्स थे, जो VFX थे, उसकी तारीफ जो कि मार्वल DC के जो लोग हैं, जो VFX एक्सपर्ट्स हैं, वो करते हुए दिखाई दिए हैं। और तो और दोस्तों यहाँ पर जो है वो मार्वल DC की टक्कर देने वाली मूवी को जो कि नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है, तो देखते हैं क्या सिनेरियो होते हैं, कल्की किस लेवल से जो कि तबाही मचाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर और जो है वो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। इसके अलावा कल्की मूवी के ऊपर सलमान खान का काफ़ी शानदार रिएक्शन आया है और सलमान खान ने ये कहा है कि प्रभास ने जो है वो सलार के अंदर काफ़ी बड़े लेवल के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, अब जो कि बारी है कल्की मूवी की और कल्की के अंदर तो प्रभास बहुत ही नेक्स्ट लेवल के रिकॉर्ड्स तोड़ के रख देंगे। दोस्तों ऐसे ही कुछ सीन्स होने वाले हैं, प्रभासना की एक्टिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है और भाई साहब इस मूवी की मटेरियल और इस मूवी की क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्या सीनरी होते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। अगर आप प्रभासना की कल्की मूवी के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपको हर एक अपडेट सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। की वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।